मॉम्स फूड डायरी को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का आइकन आप देख रहे हैं उसको ज़रूर टैप करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। ऑल पर टैप करके ओके भी टैप कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। मॉम्स फूड डायरी वेबसाइट पर भी विजिट कीजिएगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक सिंपल सी फिश की रेसिपी, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई हमने। नो ऑयल यानी कि कुछ भी तेल नहीं इसमें। ये है सारडिन, जो फिश होती है तारली जिसको मत्थी भी बोलते हैं, उसका रोस्ट है। कैसे भूनते हैं बिना किसी, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट लगाया इसमें बिना ऑयल के, बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमने हाफ के जी यानी कि 500 ग्राम तारली जो फिश होती है वो ली है, और इसमें टोटली सिर्फ आधा टेबलस्पून नमक लगेगा। हमने नमक उसको अप्लाई कर लिया है ऊपर से और अंदर से। इस पूरी फिश को हमने अच्छी तरीके से धो के साफ करके इसको लिया है। जो सरडीन फिश होती है, जो तारली जिसको मत्थी बोलते हैं, कोंकण साइड में तारली बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमको पैन को गर्म करके लेना है एक मिनट। उसके बाद हमको पूरी फ्लेम पे यानी कि पूरी आंच पे हमको फिश रखनी है, और आपको शुरू के 4 मिनट पूरी आंच पे इसको पकाना है। उसके बाद आपको फ्लेम को मीडियम करके और 3 मिनट रोस्ट करना है, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी फिश होती है जो तारली होती है, और इसमें हेल्दी ऑयल्स होते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं इसमें। तो ये हमने बिना ऑयल के सिर्फ नमक लगा के ये रोस्ट किया। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बना के इसको खाएंगे। तो ये हमने देखिए हमने इसको पलटा दिया है, तो ये देख रहे हैं आपको जो कलर आया इसका, जो ऑयल से आया है, इसमें जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं और ये हेल्दी फिश होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब टेस्टी है ये। इसके बाद हम उसको जो पीछे का हिस्सा है वो भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए, भून जाए, इसलिए हमने इसको ऐसा खड़ा रखा है इस पर। टोटली हमने पलटाने के बाद भी हमको 4 मिनट पूरी फ्लेम पे, और सेकंड बार हमको 2 मिनट ही रोस्ट करना है उसको। उसके बाद ही हमारी कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी जो फिश रोस्ट है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको। यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है, नीचे आँच मीडियम होगी, और अब हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि इसमें हमने बिना किसी इंग्रेडिएंट्स के बहुत ही सिर्फ रोस्ट किया है हमने ये, बहुत ही हेल्दी तरीके से। इस तरीके से आप बनाइएगा और ज़रूर हमें नीचे कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इसके ऊपर आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं इसमें ऊपर से, और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।